हाय स्टूडेंट्स, तो जैसा हमने कल पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था, तो पॉलिटिक्स हम लोग का ज़्यादा करके सिलेबस क्लासरूम में ख़त्म हो गया है। लास्ट के कुछ बचे हुए, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या किया है। तो पार्ट वन में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था, हमने स्टार्टिंग में ही ये सब कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। और प्रीएम्बल, यूनियन टेरिटरी, ये सब हमारे हो गए थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट हो गया था। इसके ऊपर टेस्ट भी ले लिया, आप लोग के स्कोर भी आ गए थे। उसके बाद आप लोग को पता ही है क्या हुआ कि फिर ज़्यादा कुछ आप लोग ने ट्राई नहीं किया, रिवीजन नहीं करके आते हैं, तो इसीलिए टेस्ट भी इससे पेंडिंग है। फिर अभी देखिए पार्ट टू है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये था, और फिर फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये बचा हुआ है। ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, ये लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग क्लासरूम में ही करेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे अगर ज़्यादा टाइम लॉकडाउन रहता है तो फिर पीपीटी बना के हम लोग उसको करेंगे। फिर इंटरस्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन, ये हम लोग देखने वाले हैं। फिर जो सेंट्रल की बॉडी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, पार्लियामेंट, ये सब आते हैं। तो फिर ये सब हम लोग ने किया है क्लास में, ठीक है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट, मैंने जुडिशरी सब एक साथ अलग लेके किया था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, और जो भी इसमें चैलेंजेस होते हैं, पीआईएल, ये सब हम लोगों ने कर लिया। स्टेट गवर्नमेंट भी देखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कौन आता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, सीएम, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब आते हैं। ये देखिए, ये सबॉर्डिनेट कोर्ट हम लोग ने जुडिशरी में किया था, जुडिशरी हम लोग ने सबॉर्डिनेट कोर्ट, हायर कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हमने किया था। फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स के लिए, ये भी हम लोग कर चुके हैं। फिर यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली का, आई थिंक यूनियन टेरिटरी हम लोग का बचा हुआ है, तो वो भी हम लोग करेंगे। शेड्यूल ट्राइब एंड एरियाज में वो भी हम लोग करने वाले हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में यूपीएससी, एसपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, फिर बैकवर्ड कमीशन, ये सब हम लोगों ने क्लासरूम में कर लिया। इसका चार्ट बना के हमने किया था बहुत अच्छे से, आई होप आप लोग उसको रिविजन कर रहे हो। फिर सीएजी भी हमने क्लासरूम में किया था। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नीति आयोग किए थे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी हम लोग ने कर लिया। फिर सीबीआई किए थे, लोकपाल, लोकायुक्त, एनआईए, ये हम लोग का लास्ट था। इसके बाद लॉकडाउन लग गया, हम लोग मिल नहीं पाए, आगे लेक्चर नहीं हो पाया, तो अब जो बचे हुए, ये एंडिंग पूरा हो चुका था, थोड़े बहुत यहाँ पे टॉपिक बचे हुए हैं वो हम लोग अभी करते हैं, ठीक। तो देखिए, ये था अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, कॉपरेटिव, ऑफिशियल लैंग्वेज और पब्लिक सर्विसेज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिव टू सर्टेन क्लास। तो अभी हम लोग आज के दिन में कॉपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड पब्लिक सर्विसेज करते हैं। आप लोग के पास बुक होगी, उसमें देख लेना। कॉपरेटिव सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं सहकारी संस्थाएं, सहकारी समितियां, ठीक है। तो हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं कॉपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देखिए क्या था, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटी आई थी, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटी आई थी। और ये आर्टिकल 19 में जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं, आर्टिकल 19 में दिया गया था, आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने की फ्रीडम, आप कोई संस्था बना सकते हैं। तो उसी से अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, होता क्या था कि उसमें करप्शन होता था। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया। अब इससे क्या होता है कि कॉपरेटिव को लोन मिल सकता है, कॉपरेटिव चैरिटी वाले काम कर सकते हैं, कॉपरेटिव सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को सहायता दे सकते हैं, इस तरह से वो काम कर सकते हैं। और इसके लिए पावर कहाँ से आता है, आर्टिकल 19 में देखिए पॉइंट नंबर वन क्या है, इट मेड द राइट टू फॉर्म कॉपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट, इट मेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19। पॉइंट नंबर टू क्या है, इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के 43B में दिया गया। अगर आप चार्ट देखेंगे, तीन सर्कल बनाया था, तो वहां पर दिया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करने के लिए स्टेट प्रमोट करेंगे,
क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है कि सब लोग मिलके आपस में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आगे क्या है, पॉइंट नंबर थ्री में इट एडेड न्यू पार्ट, पार्ट नाइन बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। पार्ट नाइन बी एड बी में कॉन्स्टिट्यूशन में 243 ZH, आर्टिकल 243 ZH, यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है 243 ZH टू 243 ZT, यहां तक पार्ट नाइन बी में दिया गया है। अब चलिए थोड़ा पार्ट की बात कर लेते हैं। पार्ट सेवन, पार्ट एट, पार्ट नाइन ए। पार्ट नाइन ए किसका है, पार्ट नाइन ए है म्यूनिसिपालिटीज, ठीक, बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक। तो आप लोग उसको रिवीजन करेंगे तो पता चलेगा पंचायती राज भी हमने किया है, पंचायती राज और म्यूनिसिपालिटी क्लास में किया है। अगर कोई भूल रहा होगा तो वापस हम लोग कर लेंगे। वैसे पूरा का पूरा पॉलिटी एक बार खत्म होने के बाद हम लोग पूरा क्विकली एक बार रिवाइज करने वाले हैं और फुल लेंथ टेस्ट करने वाले। अगर लॉकडाउन थोड़ा और आगे बढ़ता है तो हमारा पॉलिटी घर पे बैठे बैठे लॉकडाउन में खत्म होगा। जैसे आप लोग एंट्री मारेंगे आपका एक टेस्ट, होल पॉलिटी के ऊपर टेस्ट वेट कर रहा होगा। पेपर ऑलरेडी सब बन चुके हैं, कब के सेक्शन वाइज सिलेबस, फुल सिलेबस का टेस्ट सब बन चुके हैं। आपको खाली टेस्ट देना है और मार्क्स लाने हैं। अगर पढ़ेंगे तो मार्क्स आएगा, तो इट डिपेंड्स ऑन लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन 3 मई को भी खत्म होता है तो जून के फर्स्ट वीक में टेस्ट होने वाला है पॉलिटी का पूरा। तो हम लोग आगे देखते हैं, 1 2 3 पॉइंट ये हो गया। फिर आगे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में, जैसा कि पार्ट 9B में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि इसमें क्या प्रोविजन होंगे, कितने लोग रहेंगे। तो सबसे पहली बात, इसका रेगुलेशन कौन करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रेगुलेशन स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधानसभा, राज्य सरकार कानून बना के कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रेगुलेट करती है। इसका सेंट्रल रेगुलेशन नहीं होता, पार्लियामेंट्री कोई ऐसे रेगुलेशन नहीं करता है। फिर आगे देखते हैं इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव शैल नॉट एक्सीड 21। 21 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी में डायरेक्टर नहीं हो सकते, ठीक। और इसमें रिजर्वेशन भी है, स्टेट लेजिस्लेचर शैल प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 1 सीट फॉर SC और ST, एंड नहीं है, या फिर 1 सीट SC के लिए होगा या ST के लिए होगा। सेकेंड पैरा में यहाँ पे देखिए, एंड 2 सीट फॉर वुमेन, 2 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगा फॉर एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। और आगे देखते हैं और क्या कंडीशन है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बेयरर शैल बी 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन से 5 साल तक हर इलेक्टेड पर्सन का, चाहे डायरेक्टर हो चाहे रिजर्व पोस्ट पे आया हो, सबका 5 साल तक वैलिडिटी होगी। 5 साल बाद उनको फिर से री इलेक्ट होके वापस वो आ सकते हैं, ठीक। फिर आगे देखते हैं इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड में क्या है। द इलेक्शन ऑफ अ बोर्ड शैल बी कंडक्ट बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द बोर्ड सो एज टू एंश्योर दैट न्यूली इलेक्टेड मेंबर अज्यूम ऑफिस इमिडिएटली ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ आउटगोइंग बोर्ड। अगला बोर्ड जो आएगा पुराने बोर्ड का काम खत्म होने के पहले आ सकता है। ये इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट लेजिस्लेचर रूल बनाएगा, फ्रेमवर्क बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग राज्य चुनाव आयोग इसका इलेक्शन कराता है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोविजन है कि सपोज अगर इलेक्शन नहीं हो पाए तो क्या, तो इसमें है कि नो बोर्ड शैल बी सुपरसीड और केप्ट अंडर सस्पेंशन फॉर अ पीरियड एक्सेडिंग 6 मंथ। उस बोर्ड को या फिर किसी भी मेंबर को भी, इवन मेंबर को भी 6 महीने ज्यादा सस्पेंड नहीं कर सकते। द बोर्ड में भी सुपर सीडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन इन केस ऑफ इट्स परसिस्टेंट डिफॉल्ट, अगर पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी डिफॉल्ट हो चुका है, लोन लेके डूब चुका है, ऑफ नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज, अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है, ऑफ कमिटिंग एनी एक्ट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और इट्स मेंबर, इस केस में ऑफ देयर बींग स्टैलमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन ऑफ द बोर्ड, अगर वो पूरी तरह दिवालिया हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन का वर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो भी ये सब रीजन से उसको सस्पेंड कर सकते हैं। और सस्पेंड करने के विद इन 6 मंथ नया बोर्ड बनाना पड़ेगा हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, जो भी सस्पेंड होता है वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है इलेक्शन, ठीक। और हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का
ऑडिटर होगा, एक ऑडिटर साल में, वो भी स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ऑडिटर, ऐसा नहीं कोई आलतू फालतू ऑडिटर लिए सीए को और उसने ऑडिट किया। हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बैलेंस शीट स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑडिटर होगा और वो जिम्मेदारी से पूरी ऑडिट करेगा। अगर कुछ भी करप्शन केस आता है तो स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा और उस केस में फिर आगे का जो प्रोसीडिंग है वो होगा, FIR एंड ऑल इंक्वायरी ये सब, ठीक है। और साल में एक बार जनरल मीटिंग होनी ही होनी है, और साल में एक बार जनरल मीटिंग होनी होनी है। और यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो प्रोविजन किया है वो देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड दैट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी कन्वीन विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जैसे भी फाइनेंशियल 31 मार्च खत्म हुआ, 6 month के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग होनी ही होनी है। स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है, हर स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए रूल में है। देन राइट ऑफ मेंबर टू गेट इन्फॉर्मेशन, हाँ उस जो फाइनेंशियल ईयर की बात किया गया है उसमें मेंबर को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि उसका फंक्शनिंग कैसा था, कितना डेब्ट है, कितना पेंडिंग है, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, सब पूरा बताया जाएगा, ठीक। और उसका जो रिटर्न है वो भी फाइल किया जाएगा। अगर कोई क्राइम करता है, कोई इसमें क्राइम करता है तो उसके लिए ऑफेंस एंड पेनल्टी की भी बात की गई है। अगर सपोज कोई कॉपरेटिव सोसाइटी फॉल्स रिटर्न फाइल की या फिर सम्मान या फिर कुछ ऐसा आया तो फिर उसको विलफुली डिसोबे किया गया तो उसके लिए पेनल्टीज और पनिशमेंट की बात की गई है। तो ये ABCDE में आप पॉइंट में देख सकते हैं। फिर एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आपने न्यूज में फिर अपने आसपास देखा होगा सारस्वत बैंक, सारस्वत बैंक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया है, सारस्वत बैंक हो गया, SVC बैंक सामरा विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक, वो भी एक मल्टी स्टेट बैंक है। तो ये जो बैंक है ये अपने आप में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक। जो कोऑपरेटिव बैंक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही ये काम करती हैं और इनका भी ऑडिट उसी फॉर्म में होता है जो पेरेंट जो स्टेट है जो रूल बनाते हैं उनके अकॉर्डिंग। बट अगर कोई मल्टी स्टेट है जैसे कि सरस्वत बैंक और SVC बैंक महाराष्ट्र में भी चलते हैं और MP में भी चलते हैं, तो उसमें पार्लियामेंट और सेंट्रल एक्ट जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। और उस बारे में क्या लिखा है बुक में वो देख लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट एनी रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट एक्ट और स्टेट गवर्नमेंट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट सेंट्रल एक्ट और अ सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली। देन UT के बारे में बात कर लेते हैं। UT में प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, यूनियन टेरिटरीज में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो भी काम है प्रेसिडेंट के नाम पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिसाइड करेगा, बट नाम प्रेसिडेंट का ही आएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अगर कोई लॉ था 2011 के पहले तो वो क्या होगा। वो एक साल तक जिस दिन से लॉ अप्लाई हुआ था उससे एक साल तक वो लॉ फॉर्म में था, ठीक है। अब देखते हैं क्या रीजन था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, करप्शन हो जाता था, लोग पैसे लेके भाग जाते थे कोऑपरेटिव के नाम पे, ऑडिट नहीं होता था, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग नहीं होती थी, तो ये सब चीजों को दूर करने के लिए 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट ये हुआ कि बड़े बड़े बैंक्स काम कर रहे हैं और वो जो नेशनलाइज बैंक है उनको टक्कर देने, जैसे सारस्वत बैंक हो गया, SVC बैंक हो गया, सामरा विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक, ये सब है। अब लास्ट में देखिए टेबल नंबर 64.1 में क्या है, सारे के सारे आर्टिकल है। 243ZH में डेफिनेशन है, ZI में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऐसे के ऐसे सब ये आर्टिकल है। इसमें आपको रट्टा नहीं मारना, एक बार देख लीजिएगा बस। तो इसके साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए और फिर टेस्ट के लिए तैयार रहिए, ठीक है। अगला चैप्टर है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग अभी बाद में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऑफिशियल लैंग्वेज करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गया, लंबा हो गया, तो फिर डाउनलोड नहीं होता और फिर प्रॉब्लम होता है। तो अभी आप इसको रिवाइज कीजिए, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।